गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे टॉप्स के बारे में। टॉप्स इसका कि सबसे पहले इसका मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लिया हमने, इसकी जो है मेजरमेंट कि लेंथ तो ली 42 सेंटीमीटर कि 42 सेंटीमीटर, बस्ट ली इसकी 89 सेंटीमीटर, वेस्ट ली 70 सेंटीमीटर और अक्रॉस शोल्डर जो है मुझे 34 सेंटीमीटर ली है। नेचुरल इसकी वेस्ट की लेंथ ली 37 सेंटीमीटर, स्लीव की लेंथ ली 57 सेंटीमीटर और स्लीव का जो बॉटम है 20 सेंटीमीटर है। इसमें जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर की है। अब 0 to 1 इसकी फुल लेंथ ले ली कि 0 to 1 फुल लेंथ ले ली। 0 जो 2 है वो उसकी 1/4 ऑफ वेस्ट की चेस्ट ले ली। 0 जो 3 है कि 0 और 3 शोल्डर आक्रोस बैग ले लिया और 2 और 4 कि 2 और 4 है 1/4 ऑफ बस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर ले लिया इसका। और 1 और 5 कि 1 और 5 कि 1 और 5 इक्वल है और 2 और 4 इक्वल है। 2 और 6 कि 2 और 6 और 0 to 3 कि 0 to 3 इक्वल है। 0 to 8 1/12 ऑफ बस्ट जॉइन 8 और 7 विथ कर्व सेव। 0 7 1/12 ऑफ चेस्ट ले ली कि इसकी बस्ट ले लिया और यह है प्लस 1.5 सेंटीमीटर फॉर द फ्रंट बैक ले लिया इसका। 3 और 9 कि 3 और 9 1.5 सेंटीमीटर फॉर द शोल्डर सेप ले ली इसकी। जो इन्हें 8 और 9 कि 8 और 9 विथ द स्ट्रेंथ लाइन कि इसकी स्ट्रेंथ लाइन हो गई। 10 इज द मिड पॉइंट ऑफ द 6 और 9 कि 6 और 9 का 10 मिड पॉइंट हो गया। 4 कि 4 2 कि 4/12 कि 4 और 12 और 2 और 11 कि 2 और 11 और 4 और 12 इक्वल है। 12 2 सेंटीमीटर है। 12 2 सेंटीमीटर है। 10 और 30 कि 10 और 30 1.5 सेंटीमीटर फॉर द फ्रंट आर्म होल सेप है। जॉइन है 9 कि 9 30 कि 9 30 और 8 और 4 विथ कर्व सेप फ्रंट आर्म होल, ये इसका है। 4 कि 7 7 to 5 कि 7 to 5 2 सेंटीमीटर फॉर द ओवर लैपिंग 150 इक्वल है और 7 और 40 इक्वल है। 40 60 1.5 सेंटीमीटर फॉर द फेसिंग है और 15 और 70 इक्वल है। 60 और 14 इक्वल है। 10 और 80 1 सेंटीमीटर फॉर द योग लाइन है। 295 सेंटीमीटर जॉइन है 80 90 विथ आ स्ट्रेंथ लाइन है। जॉइन 4 12 5 विथ आ कर्व शेप है। ये तो इसका फ्रंट पार्ट हो गया। अभी हमारा है बैक पार्ट। बैक पार्ट में 1 0 और 1 इसकी फुल लेंथ हो गई। 0 2 इसके बस्ट हो गए किसकी चेस्ट हो गई। 0 3 इसकी शोल्डर हो गए कि आक्रोस बैक है और 2 और 4 1/12 ऑफ बस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर हो गए और 1 और 5 कि 1 और 5 इक्वल है और 2 और 4 इक्वल है। 2 6 इक्वल है और 0 3 इक्वल है। 0 2 7
वन ट्वेल्थ ऑफ चेस्ट फॉर द बैग नेक होगी 0 और 8 कि 0 और 8 वन ट्वेल्थ ऑफ बस्ट हो गई। जॉइन 7 और 8 होगी विथ द कर्व फॉर द बैग नेक होगी और 3 और 9 कि 3 और 9 1.5 सेंटीमीटर शोल्डर द सेप हो गई। जॉइन 8 और 9 विथ अ स्ट्रेंथ लेंथ होगी। जॉइन 9 और 10 एंड द 4 विथ कर्व 0 to 11 कि 0 to 11 कि 0 to 11 0 to 11 नेचुरल वेस्ट लेंथ होगी कि 0 to 11 नेचुरल वेस्ट लेंथ होगी। 4 to 12 कि 4 to 12 और 2 और 11 इक्वल हो गए। 2 और 2 11 2 सेंटीमीटर हो गया और 2 और 11 हो गया। 2 सेंटीमीटर फोर द साइड सेम हो गई। जॉइन 4 12 5 विथ ए स्लाइड कर्व हो गया। ये हमारा टॉप का हो गया। धन्यवाद।